दिनांक 5 दिसंबर को गोगा मेडी साहब का जो हत्याकांड हुआ उसके तुरंत पश्चात जो दो मुलजिम बच गए थे वो जयपुर शहर से फरार होने में सफल हो गया। घटनाक्रम के पश्चात उनको चिन्हीकरण करके उसको दस्तयाब करना एक बड़ा चैलेंज थे हमारे ऊपर। जयपुर पुलिस का स्पेशल टीम, पुलिस आयुक्तालय का स्पेशल टीम, जयपुर आयुक्तालय का साइबर सेल, इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक हमारा काम चलते रहा लेकिन हमेशा हमारा टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन आया। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारे टीम्स यहाँ जयपुर शहर में, जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो दो फरार हो गया उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीडवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीडवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया, पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। इसके पहले एक जो ग्रुप था जो प्रकरण के पहले जो इनको सुविधाएं देते, जो उनको फैसिलिटेट करते थे, उनमें से एक व्यक्ति को कल हम गिरफ्तार किया था, आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी लिया गया। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप और थे जो इसको और कोई व्यवस्था करा रहा था, वेपन उपलब्ध करा रहा था, उस ग्रुप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गया, वो मॉड्यूल भी हमने क्रैक किया। ये दोनों चीज हो गया मुलजिम को जो शूटर्स को पकड़ने के पहले, जो क्या कैश ट्रांसैक्शन हो गया, जो वेपन डिलीवरी हो गया, जो व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया।